नमस्कार दोस्तों, वीकेंड चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद चल रहा है उससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। परीक्षा में किस कदर धांधली हुई ये किसी से छुपा नहीं है। 5 मई को हुए नीट की परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र छात्राएँ शामिल हुए। 4 जून को आए परीक्षा परिणाम के बाद जो विवाद शुरू हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पर जो सवाल खड़े हुए, पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। दरअसल नीट की परीक्षा में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रेस मार्क्स देखने को मिला। विवाद आगे बढ़ा तो NTA ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर यह कह दिया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है उसे समाप्त किया जा रहा है और ग्रेस मार्क्स वाले परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा देने की बात कही गई। जो परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहते 1563 छात्रों में, तो उनका मेरिट बगैर ग्रेस मार्क से बनाया जाएगा। लेकिन मामला केवल ग्रेस मार्क्स तक ही नहीं रहा। बात समझ में आ जाती अगर ये ग्रेस मार्क्स तक रहता। दोस्तों, नीट की परीक्षा में 67 परीक्षार्थी को समान अंक 720 में फुल मार्क्स हासिल हुआ और ये सारे मेरिट में टॉपर बन गए। इनमें भी 6 परीक्षार्थी एक ही सेंटर के रहे। अब जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक विवादित मामला सामने आता जा रहा है। छात्रों के साथ NTA की यह कार्यस्थानी निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, 8 जुलाई को इस पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने इसे 24 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ करारते हुए बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मामले की CBI जांच तक की मांग की है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के दिग्गज पूरे परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक होने से साफ इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए इस मामले में सुन लेते हैं कुछ बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट ऑफ क्वेश्चन आ गए। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। NTA ने उसको अप्लाई किया। सरकार के मनमाने रवैये के कारण जी और नीट की परीक्षाओं में करीब 25 लाख छात्रों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। देश भर में छात्र और उनके पेरेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अड़ियल मोदी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उनकी शिकायतों पर विचार करने और उचित समाधान खोजने से क्यों इनकार कर रही है समझ में नहीं आता। तो सुना आपने किस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले में अस्पष्ट अपना जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर CBI को मामले की जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही है। नीट घोटाले का जो गोधरा से संबंध सामने आया है, तुषार भट्ट नीट परीक्षा में सेंटर कोऑर्डिनेटर थे, परशुराम रॉय ऑफिस से 2.30 करोड़ के चेक इन्हें हासिल हुए, पुरुषोत्तम शर्मा NTA के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, आरिफ वोरा परशुराम ने आरिफ के जरिए बच्चे भेजे थे और आनंद विभोर परशुराम राय को स्टूडेंट भेजता था। यानी कुल मिलाकर के बिल्कुल एक काला धंधा चल रहा था इस परीक्षा को लेकर के। और इस बार जब विवाद इतना बढ़ गया और छात्र जब सड़कों पर आ गए तो निश्चित तौर पर
अब एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि छात्रों से कितना पैसा लिया गया। हर छात्र से 10 लाख रुपए यानी 2.6 करोड़ रुपए लगभग लिए गए। पुलिस को क्या मिला? कोचिंग संचालक के पास से 2.30 करोड़ के चेक मिले। आखिर ये पैसा क्यों? इस परीक्षा के लिए, परीक्षा परिणाम के लिए, ग्रेस मार्क्स दे करके उनको मेरिट में लाने के लिए? ये बड़ा सवाल उठता है। और जाहिर सी बात है, पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सबके घोषणा पत्र में था कि जो भी परीक्षा होगी वो पारदर्शिता के साथ की जाएगी, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कानून बनेगा। लेकिन 4 जून को जैसे ही नीट का परिणाम आया, हर तरफ हंगामा देखने को मिला। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके, कई गार्जियन या अभिभावक जो है अपने बच्चों को भारी भरकम रकम दे करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाते हैं, इस उम्मीद से कि संभवतः इस तरह की परीक्षा में वो मेरिट हासिल करके अपना भविष्य उज्जवल कर सके। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं रिश्वत देने वाले छात्रों को क्या कहा गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफिक्स के जरिए। जिन सवालों के जवाब नहीं आते उन्हें छोड़ दें। जो सवाल छात्र छोड़ देते हैं उसका क्या होता है? बाकी के सवाल सेंटर में मौजूद तुषार भट्ट भरता है। यानी कुल मिलाकर के एक गोरख धंधा चल रहा था, बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही की गई है। इस नीट के परीक्षा में जो परिणाम और जो धांधली का मामला सामने आया है, हमें व्यापम का याद दिलाता है। और व्यापम की तरह ही एक बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर लगभग 24 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए, अब दोबारा परीक्षा कराना संभव नहीं है। लिहाजा जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था, 1563 छात्रों को, उनको एक बार फिर परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा है। अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उनके ग्रेस मार्क्स हटा करके एक्चुअल मार्क से उनकी मेरिट तय कर दी जाएगी। सड़कों पर हुजूम है, छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा जाए तो जाए कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, यहाँ पर 12 परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से निरस्त हो गए। एक तो रोजी रोजगार का मौका नहीं है, दूसरा रात दिन मेहनत करने वाले युवा छात्र अपने भविष्य को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं, और उनके भविष्य के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ होता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और कई सवाल खड़ा कर रहा है। NTA आखिर नई व्यवस्था क्यों दे दी? क्यों ग्रेस मार्क्स की आवश्यकता पड़ी? अब ये छात्र अगर फिर से परीक्षा देते हैं, उसके बाद बगैर ग्रेस मार्क्स के अब फिर से मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, इसमें कितनी पारदर्शिता रह पाएगी जब शुरुआती दौर में ही सब कुछ सबके सामने है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। यानी बड़े पैमाने पर हमें लगता है कि इसमें धांधली हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि यह व्यापम घोटाले से कम बड़ा घोटाला नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के तमाम जो मालिकान हैं वो परेशान हैं कि आखिर कुछ कोचिंग सेंटरों से ही क्यों छात्र, 6 इस तरह के सेंटर देखने को मिले हैं जहाँ पर लगभग लगभग मेरिट के बच्चे आए हैं, और एक सेंटर तो ऐसा है जहाँ से 6 बच्चे टॉपर हो गए, ग्रेस मार्क्स जोड़ करके 720 में फुल मार्क्स हासिल किए। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिक्षाविद हैं दिलीप यादव जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मयंक त्रिवेदी जी, आप कोचिंग संचालक हैं, शिक्षाविद आप भी हैं, और जाहिर सी बात है नीट के जो कोचिंग सेंटर में शिक्षक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम मयंक जी से जानना चाहेंगे, फिर दिलीप जी के पास चलेंगे। मयंक जी, ये पूरा मामला अगर आम जनता देखे, किस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही ना, क्योंकि आप भी कोचिंग संचालक हैं और आपके यहाँ भी छात्र पढ़ने आते हैं, तो इस उम्मीद से आते हैं संभवतः कि उनका भविष्य कहीं ना कहीं उज्ज्वल हो। जी, आपने जब अपना इंट्रोड्यूसिंग विजुअल में दिखाया, उससे ये प्रथम दृष्टया सीधे सीधे प्रतीत हो रहा है कि ये कितना बड़ा घोटाला है। और किसी भी देश की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और ये वो शिक्षा है जो सीधे सीधे स्वास्थ्य रिलेट करती है। अब अगर इस बड़े घोटाले से जो डॉक्टर्स बनेंगे वो किस तरीके से इलाज करेंगे, क्या होगा, मतलब ये बहुत बड़ा एक घोटाला दिख रहा है। और NTA, मुझको लगभग 24 साल इस
क्षेत्र में हो गया, मैं 24 साल से विभिन्न लखनऊ के विभिन्न जगहों पे हमारे सेंटर भी चल रहे हैं और हजारों छात्रों को मैंने पढ़ाया है। और ये एनटीए ने जो किया है ये मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एनटीए ने इस तरीके का नीट जैसे एग्जाम में, मतलब नाम ही नीट है, अगर आप उसको नीट से देखें तो नीट तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल उस चीज में इस तरीके से धांधली इन्होंने की है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से। या तो जब एनटीए ने नोटिफिकेशन अपना जारी किया था स्टार्टिंग में, तो उनको ये ग्रेस मार्क्स का जिक्र करना चाहिए था, बिल्कुल। अगर ये चीज दिखाई ना पड़ती तो शायद इस ग्रेस मार्क्स का वो स्पष्टीकरण भी ना देते। फिर इस ग्रेस मार्क्स का आधार क्या है, किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं भाई? अब जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या चीज है? और ये मुझको नहीं लगता है कि ये सिर्फ 1563 की बात है, ये बहुत बड़ा अपने आप में घोटाला है। इस पर मेरी सरकार से मांग है, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी जयंत जी से मेरी मांग है कि इस चीज की सीबीआई जांच कराई जाए। और इसमें क्योंकि लगभग 24 से 25 लाख लोगों के छात्रों का भविष्य का सवाल है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप समझिए कोचिंग की फीस, आप समझ रहे हैं कि जो नीट या जेई की जो फीस होती है वो 1.5-2 लाख रुपए फीस है, तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब परिवार है किस तरीके से कहीं के घर जो है अपने जेवर बेच के या कुछ करके किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद अगर उन बच्चों का भविष्य अधर में होगा तो इसका कोई मतलब है नहीं संजय जी। मतलब ये बहुत बड़ा दुखद एक प्रकरण हुआ है भारत के इतिहास में, और इस पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं कि सिर्फ ये 1563 लोगों का की बात है। दूसरी चीज, एक शिक्षक के तौर पे भी मेरा एक दर्द है और एक पिता के तौर पे भी है भाई। मेरी पुत्री भी अगले साल नीट का एग्जाम देगी, तो जब से ये प्रकरण हुआ है तब से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं उसको सही डायरेक्शन में भेज रहा हूँ या नहीं भेज रहा हूँ। अगर ये इस चीज में इन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा नहीं दी गई, और हमारी डिमांड है कि ये पूरा एग्जाम दोबारा कराया जाए, वरना चीजें बहुत बिगड़ेंगी और बच्चे आने वाला समय ये होगा कि बच्चे डॉक्टर इंजीनियर किसी भी कंपटीशन को देंगे ही नहीं। वो कहेंगे या तो घर में 10-20 लाख रुपए हो कि हम जो है पेपर आउट करा लें। और मेरा समस्त लखनऊ के पूरे भारत के कोचिंग संचालकों से आग्रह है कि इस चीज का सख्त तौर पर विरोध करें, क्योंकि ये सबके लिए गड़बड़ चीज है। ये बहुत दुखद है कि जो चीजें हुई। बिल्कुल मैंने आपने बिल्कुल सही कहा, कई गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं वो खेत तक बेच देते हैं अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, और इस तरह की धांधली होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आपने सुना ही जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आखिर इसकी सीबीआई जांच कराने में सरकार को क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई, करा देना चाहिए। सीधा सीधा युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। 24 लाख छात्र आए हैं, लगातार मेहनत की होंगी, 1 साल 2 साल 3 साल कोचिंग जा करके अपने स्तर पर उन्होंने तैयारियाँ की होंगी, और उसके बाद अगर मेरिट का इस तरह से रोना हो रहा है, कई छात्रों को आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, निश्चित तौर पर ये बेहद ही दुखद माना जाएगा। और जो दावा किया जाता है चुनावी मंच से कि इस तरह का पेपर लीक नहीं किया जाएगा, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा दिलीप जी, जी क्योंकि आप ऐसे से वकील भी हैं, जी जी, कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो 8 मई को राजस्थान दिल्ली और बिहार से कई लोगों को अरेस्ट किया गया, जी ये गिरफ्तारी क्यों की गई अगर पेपर लीक नहीं हुआ है? लॉन्च हुई है। वही तो बेशर्मी का हद है कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई घोटाला नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो आग क्यों लगी है? इनको समझ में नहीं आ रहा कि जो है आग क्यों लगी है। इतना सब जो है चल रहा है, टीवी चैनलों चल रहा है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बेशर्मी की सीमा लांघ गए हैं। और खास तौर पे आप एक चीज देखिएगा, व्यापम घोटाला भी हुआ शिवराज सिंह चौहान के समय में, बहुत बड़ा इसी से संबंधित था जी। और आज जो है भी जो घोटाला हुआ है, घोटाला बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं एक चीज थोड़ा सा इतिहास पे जाना चाहूंगा जी। नीट जो है जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है ये खाका तैयार किया गया, खासतौर पर मेडिकल के उसमें, इससे पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे, 2013 में एक खाका तैयार किया गया, और 2016 में जो है नीट जो है पहली बार कराया गया, 2016 में कराया गया जो सीबीएसई कराती थी, 2019 तक 3 टर्म में कराया, 2019 के बाद जो है एनटीए बनाया गया 2017 में, 2017 में जब एनटीए बनाया गया तो ये परीक्षाएं जो है एनटीए को दे दिया गया कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये जो है पूरे देश के जो है अलग अलग विषयों पर जो है एक एजेंसी बन गई और जो है एग्जाम कराएगी। एनटीए का जो है पारदर्शिता जो है आज नहीं रहा, और सबसे खास बात यह कि जो है बिहार में पकड़े आते हैं, झारखंड पुलिस बोलती है कि जो है आप फलाना नंबर की गाड़ी को जो है एक बार चेक कर लें, कुछ संदिग्ध मामला लग रहा है,
डस्टर गाड़ी आती है उसमें से चेक किया जाता है, तो वहां पे जो है 5-6 एडमिट कार्ड मिलते हैं, और वो एडमिट कार्ड जो है बिहार के एक सेंटर का होता है, और लड़के को जो है वो एग्जाम देता रहता है, उससे कुछ नहीं कहा जाता, और चुपचाप एग्जाम देने के बाद उस लड़के को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद जो है उससे पूछताछ होती है, तो बताता है कि जो है मुझे 2 दिन पहले जी मुझे जो है अलग से लाके जो है एक जगह पे टिकाया गया, ऐसे कमोबेश हमारे जो है 6-7 लड़के हैं जो उनको टिकाया गया, और उनको जो है वो सारी सीटें जो है जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो पूरी दे दी गई थी, और उसको जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था, और जाके हमने पेपर किया। मतलब एक बच्चा जो है वो कबूल करता है, धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं समझ में आता। यही कमोबेश जो है झज्जर के एक ही जो है सेंटर में आपके 6-7 विद्यार्थी 6 हैं जी, वो एक ही सेंटर एक ही कमरे से जो है टॉप करते हैं, ये है क्या? और सबको फुल मार्क्स, सबको जो है 720 में 720 मिलता है। दूसरी बात ये कि जो है एक जो है 200 नंबर के जो 200 क्वेश्चन के जो है ये पूरा जो है टेस्ट होता है, 200 में होते हैं जिसमें से जो है आपको जो है 5 जो है 50-50 के जो है 3 पेपर हो गए, गलत तो नहीं कर रहा हूं, कुल 180 क्वेश्चन, कुल 180 होते हैं जिसमें से जो है 45-45 करने के 4 पेपर, 4 पेपर होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर के होते हैं। जब भी जो है अगर फुल मार्क्स मिलेगा 180 × 4 720 हो गए। अगर आपका जो है क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर जाएगा, समझिएगा जी, 1 नंबर जाएगा, तो कहां से जो है 718-719 पा रहे हैं, आप बात समझिएगा, 4 नंबर हो जाएगा, एक जो है एक और जाएगा आपका, 5 नंबर जाएगा, तो कहां से आप जो है 17-18-19 पा रहे हैं, और कौन से सिस्टम में जो है ये है कि सभी को जो है आप ग्रेस मार्क दे दें, और 1563 बच्चे ही क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये है कि जो है जो बच्चे वो देश की भविष्य बनना है उनके माता पिता ही इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, कोचिंग संस्थानों या ये एजेंसियां या राजनीतिक जो है जो भी कॉकस है ये तो है ही है, साथ में जो है वो बच्चों के पिता पेरेंट्स भी जो है इन्वॉल्व है, क्योंकि वो पैसा जो है जो बच्चे जो है 4-5 साल से जो है तैयारी करते हैं वो 10 लाख 30 लाख 50-50 लाख रुपए जो है दिया गया, वो बच्चा बताया बिहार वाले कांड में कि हमारे जो है लोगों से 30 लाख 50 लाख जिससे जितना मिल गया वो लिया गया, तो फादर जो है ये चाहता है, पेरेंट्स ये चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, अब पहली सीढ़ी उसको जो है गर्त में डालने का काम करते हैं। हमारे देश के अभिभावक इतने जो है स्वार्थी हो गए हैं कि वो अपने बच्चे का जो है जो उसका भविष्य है शुरू में चोर बना देते हैं, मैं चोर ही कहूंगा, मेरी बिटिया भी इस साल जो है नीट का एग्जाम दिया है, उसमें वो अभिभावक ही जो है उन बच्चों के जो है निश्चित तौर पर चोर बना देते हैं, आशीष जी एक सवाल का जवाब, कमजोर कर देते हैं, और वो कमजोरी का सबब ये होता है उनके पास पैसे होते हैं, पैसे पे जो है वो 720 नंबर पाते हैं, 67 लोग जो है एम्स में आ गए, सीट है ही नहीं है, आप सोचिए सीट है ही नहीं है एम्स की जो है, आप 67 लोग को जो है टॉपर बना दिया, ये बहुत गलत है, और मुझे लगता है कि जो है नए भारत का जो है ये एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए, चूंकि आप पेशे से वकील भी हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हालांकि निश्चित तौर पर मैं ये मान करके चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी, क्या परीक्षा बगैर निरस्त किए जो 1563 बच्चे हैं सिर्फ उनको फिर से एग्जाम करा लिया जाए तो मामला समाप्त हो जाएगा? बेईमानी है, पूरी तरह से बेईमानी है, क्वेश्चन पेपर एक होने चाहिए सारे बच्चों का, होता क्या है कि अगर अलग अलग सेट में आप कराते हैं तो क्वेश्चन जो है बदले हुए मिलेंगे, हो सकता है कि जो है जो बच्चा उनमें से 1563 में से बच्चे जो है 720 पाने लायक हों वो हो सकता है 300 पाए,
पेपर का पैटर्न चेंज मतलब सेट चेंज हो जाएगा तो ये संभावना है। तो इसलिए जो है पूरी शिक्षा प्रणाली पूरी जो है एग्जामिनेशन को ये संदेह के घेरे में आ ही गया निश्चित तौर पर, क्योंकि ये 1563 बच्चों को वही परीक्षा के लिए पेपर तो दिया नहीं जाएगा। जी आशीष जी, मयंक जी अभी आते हैं आपके पास, जरा आशीष को भी चर्चा में शामिल कर लें। आशीष जी, ये नीट का जो मामला चल रहा है, छात्र सड़कों पर हैं, आप लोग रात दिन मेहनत कराते हो अपने बच्चों से कि शायद वो मेरिट में आए और आपका भी नाम रोशन करें, लेकिन ये मामला ही अलग तरह का हो गया है। चलिए आशीष एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ, एक बड़ी खबर आ गई है, 26 जून को होना है लोकसभा स्पीकर का चुनाव, ये बड़ी जानकारी हम दे दे रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग आ रही है। विपक्ष भी अपनी तरफ से उतार सकता है उम्मीदवार, यानी स्पीकर को लेकर के मतदान की स्थिति बन सकती है संसद के भीतर, ये खबर आ रही है। लोकसभा स्पीकर से के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, हम प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर कि 26 जून को होना है लोकसभा स्पीकर का चुनाव, संसद का जो सत्र होगा उसमें निश्चित तौर पर स्पीकर का चुनाव होना है। विपक्ष भी अपनी तरफ से इस बार उम्मीदवार उतार सकता है, चूँकि मुकाबला चंद सीटों के आसपास का है, लिहाजा हो सकता है कि स्पीकर के लिए विपक्षी भी अपने प्रत्याशी उतार दें इस बार। हालांकि अमूमन ऐसा होता है कि स्पीकर जो होता है वो सत्तारूढ़ दल का ही होता है, लेकिन इस बार ये भी संभावना जाहिर की जाती है कि विपक्षी भी संभवतः स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार उतार दें। जी आशीष जी, एक बड़ी खबर आ गई थी, अब आप कंटिन्यू करें। तो मैं आपको बताऊं, एनडीए की भूमिका अभी से संदिग्ध नहीं है, जब एनडीए के गठन हुआ तब से ही संदिग्ध है। आपको मैं पूरा अगर विस्तृत जानकारी दूं इस बारे में, देखिए एनडीए से पहले ये परीक्षा सीबीएसई कराती थी एआईपीएमटी के नाम से, ठीक। तो जब मेरिट जाती थी और पेपर समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, पेपर 720 नंबर का होता है, तब पेपर 800 नंबर का होता था, ठीक। 800 नंबर में, और देखिए पढ़ने वाला छात्र लगभग 1-1.5 लाख ही है, आप चाहे 24 लाख बैठा दो, चाहे 25 लाख बैठा दो, चाहे 100 लाख बैठा दो, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लिमिटेड ही होती है। हम लोग की कोचिंग संस्थान में भी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लिमिटेड ही होती है, तो ही बच्चा पढ़ता है लगभग, ठीक। तो जब मेरिट जाती थी तो 496 490, मतलब 500 के नीचे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, ठीक जी। उसके बाद जब एनटीए ने चार्ज संभाला और पूरे इंडिया में एक पेपर होने लगा, तब सीपीएमटी भी अलग होता था, स्टेट वाइज पेपर अलग होते थे। यह बहुत गहरी बात समझिएगा कि भाई सिर्फ एआईपीएमटी यानी कि ऑल इंडिया से टेस्ट लेके 495 या 500 नंबर ले आओ तो सरकारी गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज कन्फर्म, ठीक। उसके बाद स्टेट का टेस्ट अलग होता था, उसमें अलग बच्चे जाते थे। तो जब हुआ कि ये जुड़ रहा है स्टेट, तो हम लोगों ने सभी शिक्षकों ने अंदाजा लगाया कि अगर हमारे स्टेट की सीटें भी जुड़ जाएंगी तो ये मेरिट 490 से घट के 460-465 आ जाएगी। तो हम लोगों ने उस साल यही कहा, जब बच्चा पेपर दे के आया तो बात पूछी कि सर कितना मेरिट जाना चाहिए, तो हम लोग बोले भाई सीटें सीपीएमटी स्टेट जुड़ गया है, जब सीपीएमटी स्टेट नहीं था तब 490 जाती थी, फिर अब इसका मतलब 20-25 नंबर नीचे आएगी मेरिट। लेकिन हुआ एकदम उसका उल्टा, मेरिट बढ़ गई, 530 नंबर पहुंच गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या हो गया कि एआईपीएमटी से लेके पेपर एनटीए को दिया गया तो एक ही वर्ष में इतने ज्यादा बच्चे इंडिया के होशियार कैसे हो गए, जो मेरिट 460 जानी चाहिए थी वो बढ़ गई। चलिए बहुत ज्यादा पैमाने पर घोटाला नहीं हुआ, लेकिन घोटाला हुआ जरूर, लेकिन घड़ा भरा नहीं था अभी। फिर उसके बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं पेपर का लेवल यही है लेकिन मेरिट बढ़ रही है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को बीच में बुझेड़ा जा रहा है, बीच में डाला जा रहा है गलत तरीकों से, पेपर आउट से या चीटिंग करवा के कुछ ना कुछ बच्चा बीच में आ रहा, ठीक। फिर मेरिट बढ़ गई, फिर मेरिट बढ़ गई, 565 नंबर हो गई, फिर अगले साल फिर 575 नंबर हो गई, फिर उसके बाद 600 नंबर हो गई, फिर लगा 600 नंबर चलो ठीक है 600, और पेपर का नंबर 800 से घट के 720 हो गया। फिर लगा चलो 600 नंबर मेरिट हुई है तो एक मतलब 720 में 600 नंबर नेगेटिव मार्किंग के साथ आना
आसान कार्य नहीं है, नहीं है बिल्कुल। जब बच्चा बहुत मेहनत करता है सर, 24 24 घंटे में 18 घंटे वो पढ़ता है, तब वो कहीं 600 का नंबर पहुंच पाता है। लेकिन उसके बाद पिछले पिछले साल की बात बताऊं तो 610 नंबर मेरिट हो गई। कैसे भैया, जब बीच में कोरोना भी आया, जब पूरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब रही, तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब पढ़ाई भी डिस्टर्ब रही तब भी मेरिट कैसे बढ़ रही है। लेकिन इसको हम लोग सवाल उठा नहीं सकते थे, क्योंकि इतना बड़े तरीके घोटाला था नहीं, है छोटा घोटाला है, दाल में नमक के बराबर चल रहा था मामला। लेकिन इस बार नमक में दाल हो गई जी, बिल्कुल, तभी मामला सामने आ गया। तभी मामला सामने आ गया और मेरिट जो आप समझिए 658 नंबर जिस बच्चे ने पाए हैं उसको मिलेगा सरकारी कॉलेज, उसके नीचे नंबर वालों को कहीं मिले ही ना सरकारी कॉलेज, बिल्कुल। तो आप सोचिए एक साल के अंदर एकदम ऐसा क्या हो गया। और देखिए एक बात भैया मैं कहूंगा आपसे संजय जी, देखिए हर जगह पर सबको पता होता कि क्या हो रहा, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, सबको सब जानकारी होती है। पेपर आउट की जानकारी उसी दिन लगभग सब बच्चों के पास कागजों में थी कि नीट का पेपर आउट हो गया। बच्चे टेलीग्राम ग्रुप का यूज करते हैं, बच्चे जब पेपर देके आए हैं तो उनके टेलीग्राम पे मैसेज था 4 बजे का और वो पेपर उसमें मौजूद था। अरे 5:20 पर पेपर खत्म होता है, 4 बजे पेपर उसमें कैसे मौजूद था। फिर उसके बाद उसमें कई लोग थोड़े थे जो ये प्रलोभन दे रहे थे कि हमारे पास पेपर है और तुम खरीदो, बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था सर, जिसे एकदम साफ तौर पे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार 20,000 से 25,000 बच्चों को बीच में घुसेड़ा गया, जिनको पेपर आउट करा के या चीटिंग करा के घुसेड़ा गया। ठीक, अब आप समझिए कि एक बच्चे का वायरल वीडियो था, उसने बोला बच्चा झूठ झूठ पे झूठ क्यों बोलेगा भाई, आप कोर्ट भी हमारी गवाह पर तो निर्णय लेती है जी। तो ये सब गवाह है। एक बच्चे ने कहा कि एग्जाम सेंटर के बाहर वो खड़ा हुआ था, तो उसके बगल में लड़की थी, वो कोई पेपर रट रही थी। तो कौतूहल बस होता है, अगर आप भी स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट थे, तो कभी पेपर देने जाते हैं और बगल वाला बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो हमें लगता है देख ले भाई क्या पढ़ रहा है, हम भी पढ़ लें वो चीज। तो उसने उससे कहा कि आप मुझे क्या पेपर दिखाएंगी, तो उस लड़की ने कहा अरे नहीं मेरे कोचिंग का पेपर है, एक बार हम भी देख लें शायद कुछ क्वेश्चन फंस जाए। तो उस लड़की ने 2 पन्ने दिखाए उनको, 2 से 2.5 पन्ने, अच्छा देख लो फिजिक्स के जी। और वो बच्चा बता रहा है जब वो अंदर गया तो पहले उसने बायोलॉजी करी, फिर केमिस्ट्री करी, बोली जब फिजिक्स करी तो 11 क्वेश्चन जो उसने बाहर देखे थे वो हूबहू अंदर में वहां मौजूद थे। निश्चित मतलब बाहर या बाहर वाली बच्ची के पास पेपर पहले से था, वो पेपर को रट रही थी क्योंकि उसे मिल गया था, जाहिर सी बात है। और उसने 11 क्वेश्चन की पुष्टि करी, 11 क्वेश्चन हूबहू वहां पर थे। और देखिए एनटीए पेपर बनाता है तो हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी गाइड बुक वगैरह में सब न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह बदली हुई होती है। अब वो हूबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इसका मतलब बाहर वाले बच्चे के पास पेपर पहले से मौजूद थे, बिल्कुल। तो ये बातें कहीं सीधे तौर पर बता रही है कि बेईमानी हुई है। उसके बाद जब पुलिस ने FIR करी, फिर उसके बाद गोधरा वाला कांड हुआ, फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ग्रेस मार्क तो सर बहुत अलग चीज है, निश्चित तौर पर ये ग्रेस मार्क का फॉर्मूला तो मुझे भी समझ में नहीं आया था आशीष, क्योंकि मयंक जी से भी मैं पूछ रहा था। मयंक जी, आखिर सरकार ईमानदारी की बात करती है तो इसको CBI को सौंपने में क्या जाता है, इतने बड़े घोटाले को लेकर के। मयंक जी जी पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल, ये मामला CBI में जाना चाहिए और इस तरीके के प्रकरण हर सरकार में हुए हैं और इस चीज को लेके सरकार को बहुत सही से कदम उठाना चाहिए। और इसमें अभी जैसे दिलीप जी एक चीज कह रहे थे कि अभिभावक, तो मेरा मानना यह है कि अभिभावक से ज्यादा बड़े दोषी कोचिंग संचालक है, क्योंकि अभिभावक के साथ ये होता है कि उसके बच्चे का भविष्य, और जब बच्चे का भविष्य की बात आती है तो हर माँ बाप जो है वो मजबूर होते हैं। ठीक, हालांकि वो गलत है, किसी भी बच्चे को गलत तरीके से सिलेक्शन कराना गलत है, लेकिन जितने कोचिंग संचालक इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं, इन लोगों ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बाकी सारे कोचिंग संचालकों को एक मैसेज ये जाना चाहिए कि फर्दर वो कभी जिंदगी में, क्योंकि ये अक्सर ये आप देखते हैं कि पेपर लीक, अभी आप देखिए कंपटीशन की बात करें या इसके पहले भी आपने देखा होगा जब यूपी बोर्ड ISSC बोर्ड की परीक्षाएं हो रही थी, बोर्ड के भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक का जो प्रकरण है, मतलब सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आने वाले
वाले टाइम पर ये एक सबक हो जाए कि किसी की भी हिम्मत ना हो, पहली चीज। दूसरी एक चीज आपने नोटिस की होगी संजय जी कि नीट का जो रिजल्ट आना था वो 14 जून को आना था जी, और 4 जून को जिस दिन जब पूरा भारत चुनाव के नतीजे में व्यस्त था, अचानक प्री इन्फॉर्म किए नीट ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया ठीक है, और उसी उसमें इन्होंने इस प्रकरण को अंजाम दिया है। और मैं फिर एक चीज कह रहा हूं कि अगर ये 718 वाली गलती ना किए होते तो शायद ये प्रकरण बाहर भी ना आता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक इनसे, ये कहेंगे कहते नहीं कि गलती हो गई, तो वही 718 वाला अगर प्रकरण ना आया हो तो शायद ही ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट ना आया हो। तो जब ग्रेस मार्क्स क्या है ये खुद आप समझ रहे हैं, ये पूरा पेपर लीक का भी, जैसे आशीष जी ने कहा कि जब पेपर बच्चा दे के आता है तो ये बात बाहर अपने आप आ जाती है कि पेपर लीक हुआ या नहीं लीक हुआ है। और वो एक अभी प्रकरण भी बता रहे थे सोशल मीडिया पे, और एक चीज सोशल मीडिया पे आजकल चल रही है, हालांकि हम उसकी सत्यता की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज भी चलती है, कि एक बच्ची है जिसका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है कि जिसके 720 में 720 है और वो फिजिक्स में फेल है। तो आप अपने आप समझिए कि ये कैसे संभव है कि जो बच्ची 720 में 720 लाई है और वो बोर्ड में जो है फिजिक्स में फेल हो गई। तो आप खुद समझिए कि इस पूरे प्रकरण में कितना बड़ा घोटाला है। और मैं फिर सरकार से मांग करता हूं कि इसमें इतनी कठोर कदम उठाएं कि कोचिंग संचालकों पे, एनटीए पे जितने कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, उन सबको इतना खतरनाक मैसेज जाए कि भविष्य में कोई इस तरीके की शिक्षा से समझौता जिस देश ने किया संजय जी, वो देश बर्बाद हो गया निश्चित तौर पर। और अभी तो हालात जो सामने नजर आ रहे हैं एक के बाद एक, सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही मत बात कीजिए, पूरे देश में हमें लग रहा है कि कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं हो रहा है जो पेपर लीक के भेंट नहीं चढ़ रहा है। आजम साहब हमारे साथ जुड़ गए, आजम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान साहब नीट का प्रकरण काफी गंभीर है, चूंकि आप भी कोचिंग संचालक हो तो आपकी भी मैं राय जानना चाहूंगा कि ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है युवाओं को। एनटीए का गठन इसलिए थोड़ी किया गया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का धांधली हो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। संजय जी, ये जो अभी प्रकरण आया है ये बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रकरण है, इसमें कोचिंग संचालकों का कोई रोल नहीं है। आप बताइए, जब नीट का फॉर्म भरने की डेट मार्च में खत्म हो जाती है, ठीक है जी, लेकिन 9-10 अप्रैल को स्पेशल डेट खोली जाती है, आखिर क्यों खोली गई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेक्सस और गवर्नमेंट और एनटीए के बीच कोई सेटिंग होती है कि 2 दिन पेपर नए फॉर्म आवेदन किए जाए, और वो ये तो अभी सीबीआई जांच होगी तब पता चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं 2 दिनों के जो आवेदन है, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के जो स्पेशल आवेदन है, वही सिलेक्टेड स्टूडेंट निकलेंगे, हम लोगों का ये मानना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन है गवर्नमेंट और एनटीए के बीच में। एनटीए ने गवर्नमेंट को बड़ा पैसा पहुंचाया है और उसमें कोचिंग संस्थान को बिलावजह बदनाम किया जा रहा है। कोई भी कोचिंग संस्थान, आप बताइए, अभी पेपर लीक सिपाही का हुआ था, जिन बच्चों का नाम आया, जिन जो साल भर रहे उनका कहीं भी कोचिंग संस्थान से लेना देना नहीं था, तो कैसे कह सकते हैं कि कोचिंग, ये तो कोचिंग संस्थान एक साफ टारगेट है लोगों का। कोचिंग संस्थान प्रोफेशनली पढ़ाने का काम करता है और वो कोशिश करता है कि उसका सिलेक्शन हो, बच्चे का ईमानदारी से हो, वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होता। वो अपनी रोजी रोटी खत्म करके सीबीआई जांच में नहीं पड़ना चाहता है, जेल नहीं जाना चाहता है, उसकी उसकी इनकम तो ऑलरेडी कोचिंग से हो रही है ना। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमें फीस दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस तरह के तीन बात में क्यों पढ़ेंगे? आजम साहब, पेपर ली जी, आजम साहब, कोचिंग संस्थानों पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, या मयंक जी सवाल नहीं उठा रहे हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को इस बात का विरोध करना चाहिए जो एनटीए ने किया है, क्योंकि निश्चित तौर पर आपसे भी छात्र पूछते होंगे, आप तो दिन रात छात्रों के बीच में रहते हो कोचिंग संस्थान में, उनकी चिंता तो आप तक पहुंचती होगी ना, वो किस तरह से क्या सोचते हैं जी? सभी छात्र कहीं ना कहीं बहुत सीरियस वो है और उन्हें कहीं ना कहीं ये मतलब एक सदमा लगा है कि इतनी टॉप रेटिंग एजेंसी एनटीए, जिसे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी माना जाता है, उसने इस तरह से घटिया मजाक किया है बच्चों के साथ। मतलब 720 में 67 बच्चे 720 मार्क्स पा जाते हैं, तो अपने आप जब एनटीए चीटिंग कर रहा था तो उसने ये भी नहीं सोचा कि चीटिंग करने का क्या तरीका अपनाया जाए। उसने खाली एवार सीट बदली और 100% सब उसमें मार्क्स डाल दिया और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं
कोचिंग संस्थानों का और बच्चों का मानना है उन्हें कहीं ना कहीं अपने ऊपर के आकाओं को पैसा पहुंचाना था, उन्होंने पैसा पहुंचाया। अब उन्होंने बच्चों और गार्जियन से कैसे कॉन्टेक्ट किया ये जांच होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर पैसा उनके पास बच्चे कैसे मिले उनको और गार्जियन से कॉन्टेक्ट कैसे किया, उसका उन्होंने क्या माध्यम अपनाया, क्या फॉर्म में जो बच्चों की डिटेल प्रश्न भरी जाती है, मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, सब कुछ है, क्या उससे उन्होंने कुछ किया या कोई और तरीका अपनाया, ये जांच होगी संजय जी, इसमें विस्तृत जांच की जरूरत है, तभी जाके ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एनटीए ने किस तरह से इतने बड़ी घपलेबाजी करी। दिलीप जी, जी भाई निश्चित तौर पर सबकी चिंता इस बात को लेकर के है भाई, कोचिंग संचालक मयंक जी ने साफ तौर पे कहा कि भाई इस तरह का मामला इसका विरोध पुरजोर तरीके से होना चाहिए। आशीष जी आते हैं आपके पास, आशीष जी आ रहे हैं, जरा दिलीप जी से पूछ लें। दिलीप जी, लेकिन ये अदालत में मामला पहुंचा, ये 17 मई को वैष्णवी यादव ने पहली याचिका दायर की थी जी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद 9 जून को अलक पांडे जी जो फिजिक्स वाला के CEO हैं, फिजिक्स वाला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हमें लगता है कि अदालत की ओर से भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आप पैसे से वकील हैं, मैं अदालत की कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूं, लेकिन आप चूंकि पैसे से वकील हैं तो संभवतः अपना पक्ष आप रख सकते हैं। देखिए एक चीज़ है, जैसा भी आजम खान साहब ने कहा कि जो फॉर्म भरने की डेट थी वो 9 फरवरी से जो है 9 मार्च की थी, इसके बाद एक हफ्ते बढ़ाया जाता है, उसी दरमियान में जो है ये सारी चीज़ें जो है 1500 जितने भी बच्चे हुए हैं या जो टॉपर्स हैं उनका खेल हो सकता है, निश्चित तौर पे हो सकता है। सीबीआई जांच, खड़गे साहब ने सीबीआई जांच के लिए कहा कि जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक मिनट आशीष जी को जानकारी दे रहे, आशीष जी बोलिए जी। थोड़ा सा धीरे धीरे मैं करेक्ट कर दूं आपको सर, कि फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ाई, फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई थी, फिर एक हफ्ते बाद डेट आती है करेक्शन की जी जी, आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो तो आप उसको सही करते, वही करेक्शन की डेट में उन्होंने नए फॉर्म भी भरवा लिए 2 दिन जी, वाह ये वही मतलब करेक्शन के लिए जो नए फॉर्म में आवेदन भी कर सकते थे, ये कभी नहीं होता आज तक जी, नहीं होता। ठीक है दिलीप जी, हाँ खड़गे साहब ने जो है जो सीबीआई जांच के लिए कहा है वो होना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं, एनटीए का जो गठन हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हुआ है जी, जो जिसकी जवाबदेही सीधे धर्मेंद्र प्रधान जी की होती है। वैष्णवी यादव ने जो है, वैष्णवी यादव आई थिंक जो है यही लखनऊ की है, जहाँ की भी है लेकिन लखनऊ की भी एक कैंडिडेट है जो है उसके साथ जो है उसके फाड़े गए जो है ओयामा, वो क्या बोलते हैं मार्कशीट और सब कुछ तो उसका फटा पड़ा था। हाँ वो जो है सीट मिला, ओयामा सीट मिला और वो पास थी, वो जो है पास थी जो है उसको फेल किया गया था। एक चीज और निकल के आए कि जो है बहुत से लोगों का जो बच्चे हैं वो फेल हैं अपने सब्जेक्ट में, बोर्ड के एग्जाम में फेल हैं लेकिन वो 720 नंबर या जो है इसके लगभग पाए हैं। ये स्कैम है, वाकई में स्कैम है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट को जो है सारी बातें मालूम है, सारी एविडेंस हैं, पुलिस FIR में है, बच्चों का बयान है, पकड़े गए लोग जो गोधरा से पकड़े गए हैं वो लोग हैं NTA, तुरंत इन लोगों को जो है चाहिए ये कि जो है अरेस्ट करके जेल डालना, NTA के पूरे कर्मचारी को, एक नहीं टोटल जो चेयरमैन है वहां से लेके पूरा जो है NTA को जेल में डालना। भाई गोधरा का नेक्सस तो आपके सामने है ना, कि आरिफ वोरा नाम का एक शख्स है, वो परशुराम आरिफ के जरिए बच्चे भेजता था, बच्चे भेज आनंद विभोर परशुराम राय को छात्र भेजता था, यानी कुल मिलाकर एक नेक्सस था, नेक्सस था कि आप मेरे पास आइए, आप पैसा जमा कीजिए, आगे हम आपका नाम बढ़ाएंगे और फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे और मेरिट में आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए तुरंत इन लोगों को जो है जेल भेजे और एक नया बोर्ड गठित करके इमीडिएट अपनी निगरानी में एक जो है टीम बना ले, सदस्य जजों की टीम, सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम कई बार बनाते हैं वो, जी बना, और पूरी परीक्षा को निरस्त कर दे, वो आदेश दे कि पूरी परीक्षा को निरस्त करके एक डेट, बैच जो है थोड़ा सा डिले होगा ना, यही कहिए आप जो है 2 महीने में जो है वो करिए, सरकार को भी लगे कि उनको दंड मिला है, जो कर्मचारी इनमें संलिप्त हैं उनको भी दंड मिला है, साथ में जो छात्र भी
या अभिभावक जो पैसे दे, मैं उनकी भी बात करूंगा, बिल्कुल, मैं कोचिंग संस्थानों के जो है मालिकों की भी बात करूंगा, इसमें वो भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घूस लेना और देना दोनों अपराध में है। तो ऐसे लोग जो है दंडित हो और जो है इस पेपर को पुनः कराया जाए, अगर सुचिता कायम करना है। इंडियन एक्सप्रेस का जो है एक डाटा है, उसमें जो है अब तक 41 पेपर जो है पेपर लीक हुए हैं, आप सोचिए, और वो भी जो है नौकरी से लेके, अभी जो है उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ हुआ, पुलिस भर्ती हुई, ऐसे मिला के पूरे देश में जो है ये नेक्सस रहा। और एक चीज और, हम भी जो है सीपीएमटी देते थे, ये जमाने से चलते आया है, ऐसा नहीं है कि जो है आज ही ये चला है। सीपीएमटी था, एआई ऑल इंडिया प्री एग्जामिनेशन एम्स था, इसके अलावा जो है आपका एएफएमसी था, पीएमटी था, सब जो है पेपर होते थे, सब में जो है ये रैकेट चलते थे, सॉल्वर होते थे, बगल में बैठ के फोटो जो है, पहले का समय कुछ और था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना जो है फास्ट नहीं थी कि जो है आप थंब इंप्रेशन जो है लगा के जो है पूरे वेरीफाई करके करें। लेकिन देखिए ये डकैत, मैं डकैत कहूंगा, ये डकैत इतने सातिर हो गए हैं कि उसके बावजूद भी जो है स्कैम करते हैं, पेपर में जो है पेपर लीक होता है, पेपर बाहर जाता, अब तो बहुत आसान हो गया, यहाँ बैठे आप जो है अमेरिका भेज दीजिए पेपर, सॉल्व होके आ जाएगा जी, आप बात समझ रहे हैं। तो ये भाई जब कहा जाता है ना, एक देहात में कहावत है कि सैया भले कोतवाल, तो डर का है, अब डर का है का? जी भाई, जब आपने पैसा दे दिया, उन अभिभावकों की भी सूची निश्चित तौर पर तैयार होनी चाहिए जी, जिन्होंने ये इस कृत्य में अपनी भागीदारी निभाई है। आशीष जी 100% जी, एक मिनट देंगे क्या? 100% उनको दंड मिलना चाहिए। हाँ। मतलब आपको संजय जी एक मिनट देंगे क्या? आजम साहब आ रहे हैं, आशीष बोल रहे हैं, जरा शिक्षक हैं उनका, हाँ सुने, हाँ बताएं। पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए इसमें भी आजम साहब ने कहा कि कोचिंग संचालक शामिल नहीं है, मैं इस बात से डिनाई करता हूँ, एग्री नहीं करता हूँ, कुछ कोचिंग संचालक शामिल है, 100% होंगे, उनको चाहिए होती है फर्स्ट रैंक जी, उनको चाहिए होती है फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक, ताकि पेपर में बड़ा बड़ा छपे, ताकि वो पेपर में, आप जानते हैं पेपर में जो बड़े बड़े हेड निकलते हैं, करोड़ों रुपए का बजट होता है इनका, तो ये कैसे रैंक निकालेंगे? अगर बड़े संस्था से या कोटा से बड़ी रैंक नहीं आएगी तो वहां बच्चा क्यों जाएगा? वो शामिल है, वो रैंक के खरीदते हैं, एनटीए से गांठ गांठ है उनकी, वो पैसा देते हैं और फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक। भाई एनटीए का भी रास्ता आशीष जी आसान हो गया कि थोक में एक जगह पैसा जमा हुआ, उनके पास आसानी से पहुंच गया। मयंक जी इसमें एक एक मानसिकता की मैं बात करना चाहूंगा आपसे, आजम साहब आते हैं इसके बाद, जिन छात्रों को रात दिन मेहनत करना पड़ता है, परीक्षा की तैयारी करते हैं इस उम्मीद से कि संभवतः आने वाले दिनों में वो उसमें सफल होंगे और माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे, लेकिन वही छात्र जब सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस के लाठी डंडे खाते हैं अपनी वाजिब मांग को लेकर के, आप देख रहे हैं ना ये तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं, ये छात्र हैं, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हैं, किसी सरकार के लिए वो पुतला नहीं फूंक रहे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। जब मैं कल घर पहुंचा, मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि पापा हमें भी तो नीट का एग्जाम देने की बात आप कर रहे हो, तो ऐसे परीक्षा होगा क्या? तो ये मानसिकता अगर युवाओं में डेवलप हो जाएगी तो देश के लिए कितना घातक होगा। मयंक और सर एक बहुत बड़ी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, प्लीज उसको पहुंचाइए, क्योंकि जितना ज्यादा देरी होगी, आपको पता है 54 बच्चों ने आत्महत्या करी है, के लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल एनटीए जो है अपराधी है, 54 बच्चों की हत्या का आरोप लगना चाहिए उसके ऊपर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला करे थोड़ा जल्दी कर दे, वरना बच्चा जो है टूटता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, आप उसकी मानसिक हालत देखिए, समझिए कि बच्चे के अंदर कितना ज्यादा अवसाद भर गया है कि देखो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि 6-7 नंबर वो नहीं ला पाएगा, उसके ऊपर वो नहीं ला पाएगा, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा, वो इतना परेशान हो चुका है। तो ये बात कहीं बहुत जल्दी इस पर कुछ ना कुछ फैसला या कुछ ना कुछ होना बाकी, क्योंकि चुनौतियां आज के डेट में रोजी रोजगार के अवसर काफी कम है, मेहनत करते हैं बच्चे, मेरिट में आने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ होता है तो प्राइम टीवी उसे कतई बख्शने वाला नहीं। आजम खान साहब जी संजय जी, बस एक चीज मैं कहना चाहता था कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एमबीबीएस की जो पढ़ाई कराते हैं,
उनकी फीस 1 करोड़ से करीब 1.5 करोड़ रुपया पर एनम है। तो ये कहीं ना कहीं उन अभिभावकों को प्रेरित करती है, जो अभिभावक बेचारे 40-50 लाख रुपए की हैसियत वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जब इस तरह का मौका मिलता है तो वो उसका लाभ उठा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लाभ उठाना सही, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो उनके ऊपर 1.25-1.5 लाख का प्रेशर है, यानी सरकार को चाहिए कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि कोई आदमी पढ़ ही ना सके। आप बताइए, आम आदमी, आम नागरिक क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? नहीं, ये तो निश्चित तौर पर, ये तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए कि पढ़ाई सस्ती हो। मयंक जी कुछ बोलना चाह रहे थे, वक्त कम है क्योंकि इशारा हो चुका है वाइंड अप करने का। संजय जी, बड़ा हम हार्दिक धन्यवाद आपको देंगे कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और आपसे एक विनम्र आग्रह है कि इस तरीके की डिबेट अभी, जब तक बच्चों को न्याय ना मिल जाए तब तक इस डिबेट को आप जारी रखें और इस तरीके के कई शो करें, क्योंकि इस हो सकता है आपकी डिबेट के माध्यम से बच्चों को न्याय मिल जाए। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर प्राइम टीवी को, मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पत्रकारिता जगत में मैंने बड़े बड़े घोटाले खोले हैं और प्राइम टीवी के जरिए मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं जी। क्योंकि निश्चित तौर पर मैंने पेशे से वकील हैं दिलीप जी, उनसे मैंने आग्रह किया है, उनसे अनुरोध किया है कि संभवतः अदालत को कुछ सलाह मिल जाए या इस तरह का सुप्रीम कोर्ट कुछ देख ले कि किस तरह से बच्चे जिनके हाथों में कलम होना चाहिए वो आंदोलन का मसाल लेकर के सड़कों पर हैं। निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य के लिए ये बड़ी चुनौती का सबब बनने वाला है। इस बार एनटीए जिस तरह से ग्रेस मार्क का हवाला दे रही है, बहाना बना रही है, आखिर जो ये 9 और 10 अप्रैल को स्पेशल एडिशन में एप्लीकेशन के लिए साइट क्यों खोली गई, संभवतः हमें लगता है कि इस सूत्र पर भी अगर जाँच हो जाए तो वो अभिभावक भी सामने आ जाएंगे जो भारी रकम दे करके अपने बच्चों को पतली गली से मेरिट में घुसाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि ये चिंता का विषय तो है ही। दिलीप जी, आखिरी कमेंट आपसे भी ले लें जी। संजय जी, देखिए एक बात बताएं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, शुरू से चलता आया है। इससे सिर्फ जो है ये शिक्षा जो बच्चे का है, ये बहुत कोमल बच्चे होते हैं, 17 टीन एज के होते हैं, 17-18 साल के, 19 साल के होते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते शुरुआत से जो है इनको भ्रष्टाचार के दलदल में, चोरी के, डकैती के, ये डकैती चोरी है इसके में जो है ढकेला जाता है, और ये पूरे देश को जो है उसी के हिसाब से ले जाके अंततः जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक जो है उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते जाते हैं पूरे समाज को। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उम्मीद हम यही करते हैं कि निश्चित तौर पर इसमें उन छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए जो मध्यम वर्ग से आते हैं, घर जमीन जायदाद बेच करके मेहनत करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की धांधली हुई है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसमें कार्रवाई निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम प्राइम टीवी चलाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये नीट का जो परीक्षा परिणाम है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है, धांधली का इसमें साफ तौर पर पुट नज़र आ रहा है। इसे मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा और हर पल हर अपडेट लूँगा कि आखिर इसमें कौन घोटालेबाज हैं, क्या अपडेट इसमें निकल करके आता है। तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। फिलहाल इस चर्चा में मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। babasahibshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।
गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815530। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। उत्करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938821072। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात, सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज।